हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एचपी का एक प्रिंटर आया है जिसका मॉडल है एचपी डेक्सजेट इंक एडवांटेज 4178478। तो ये एचपी का इंक जेट प्रिंटर होता है जिसमें 682 नंबर कार्टेज लगती है। तो हम इसमें आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। सूरज कंप्यूटर्स दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर है। वो आपको लैपटॉप की भी सर्विस देते हैं, प्रिंटर की भी सर्विस देते हैं, कार्टेज रिफिलिंग की भी सर्विस देते हैं और एक नंबर की सर्विस देते हैं। यदि आपने अब तक सर्विस नहीं ली तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है, द्वारका में है, गुड़गांव में है। मोस्टली काम आपका दुकान पे आना होता है आपको, प्रिंटर वगैरह के लिए ऑन साइट ये काम नहीं हो पाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सूरज कंप्यूटर्स नंबर वन इसलिए है कि मोस्टली काम वो प्रिंटर के हैंड टू हैंड करके देते हैं, लैपटॉप के वो हैंड टू हैंड करके देते हैं। और शर्त बस एक होती है कि आपने वो कहीं ना दिखाया हो, अदरवाइज आपने कहीं पे दिखा लिया तो कुछ बंदे होते हैं उसको ज्यादा ही खराब कर देते हैं, आप नहीं करवाना चाहते। तो इस टाइप के बहुत ही प्रॉब्लम होती है, आप ऐसा मत करें। सूरज कंप्यूटर्स पर आप अपना जो भी है, आपका लैपटॉप है, प्रिंटर है, आप सूरज कंप्यूटर्स पर लेकर आए। चलो अब हम आपको दिखाते हैं हम इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रिंटर ऑन है, रेडी मोड पे है। अब हम इसको कमांड दे रहे हैं, ये कमांड ले भी रहा है। इसके बाद ये सबसे पहली प्रॉब्लम है इसकी स्लो प्रिंटिंग की, बहुत ही स्लो प्रिंट करता है ये। दूसरी इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें प्रिंट कमांड लेने के बाद E2 का एरर आ जाता है, यानी एक पेज तो आपका ये प्रिंट कर देता है, कमांड ले लेता है, दूसरे पेज में इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये कमांड नहीं ले पाता है। हमारा E2 का एरर स्क्रीन पे E2 का एरर शो हो जाता है। अभी आप देखोगे ये पेज ले रहा है, बहुत ही कम स्पीड से आ रही है ये कमांड, बहुत ही कम स्पीड से आ रही है। नहीं तो अब तक ये हमारा प्रिंट आउट हो जाना चाहिए था। इंकजेट प्रिंटर की स्पीड आपको पता ही है, 4-5 पेज पर मिनट ये करता है, पर अब तक ये अभी तक तो आप देखोगे कि हमारा निकलना भी शुरू नहीं हुआ, नहीं इतनी देर में निकलना शुरू हो जाता है। जो आजकल के प्रिंटर आने, ये लेटेस्ट प्रिंटर है, एक साल पुराना प्रिंटर है। और इसमें कार्टेज नंबर कौन सा लगता है, इसमें कार्टेज नंबर लगता है 682। कार्टेज की क्वालिटी भी अच्छी होती है, ये रिफिल होके भी अच्छी चल जाती है, कार्टेज अच्छी होती है। पर आप देखोगे इस प्रिंटर में हमारे प्रॉब्लम आई हुई है, तो वही प्रॉब्लम हम देख के बताएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम। आप देखोगे अब तक निकला है और इसमें आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पे लाओ सर कैमरा, ये आप देखोगे E2 का एरर आ गया है। इसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम किस चीज से होती है, ये प्रॉब्लम मैकेनिकल से होती है, जब हमारा डिकोडर सेंसर खराब हो जाए या हमारी एनकोडर खराब हो जाए तो इसी में ही प्रॉब्लम आती है। हम आपको प्रिंटर खोल के भी दिखा देते हैं कि किस चीज में हमारी प्रॉब्लम होगी। ये T10 स्क्रू ड्राइवर से खुलता है, ये आप देखोगे ये हमारी डिकोडर होती है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा एक एनकोडर सेंसर है जो मैकेनिकल को ये कमांड वगैरह देता है, मैकेनिकल को आपका कंट्रोल करता है, ये इसी सेंसर से होती है ये मैकेनिकल हमारी कंट्रोल। तो इसी की भी प्रॉब्लम होती है जब ऐसा होता है कि एक प्रिंट आउट निकलता है और फिर एरर दे देता है। तो इस प्रकार यदि आपके पास भी कोई प्रिंटर है तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर आ सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स प्रिंटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग की और कार्टेज रिफिलिंग की, कंप्यूटर रिपेयरिंग की सर्विस, रिपेयरिंग की सर्विस आपको हैंड टू हैंड देते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, कार्टेज कुछ भी हो तो आप सूरज कंप्यूटर पर आ सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स आपको हैंड टू हैंड सर्विस करके देंगे। ये हमारी शर्त है कि बस आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या प्रिंटर कहीं दिखाया हुआ ना हो, फ्रेश हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है जो दिखाया होता है तो उसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा कर हम वो भी देते हैं पर उसमें टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार आप आए, हमारी सेवा का लाभ लें। धन्यवाद।